दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था कैसे क्या करना है, पूरा सब कुछ। आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि आप सब लोग कैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके कैसे आपका सब्सिडी आने तक का पूरा प्रोसेस, आपको लाइव प्रोसेस इस वीडियो में यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपके बैंक अकाउंट में कैसे यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर जो फायदा होने वाला था 78,000 रुपये का होने वाला था, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाएगा। जितने भी पैसे यहाँ पर लगेंगे यहाँ पर वहाँ उसमें से 78,000 रुपये तो गवर्नमेंट दे देगी, बाकी आपको खुद लगाना होगा। ये बात यहाँ पर है। उसके बाद चलिए मैं पूरा प्रोसेस आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ कैसे क्या करना। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। सो गाइस, सबसे पहले आपको pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर आ जाना है। इसका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सारे स्टेप। उसके बाद यहाँ से आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ से आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कंपनी से आपके यहाँ बिजली आती है उस कंपनी को यहाँ से आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट नंबर होता है, कंज्यूमर अकाउंट नंबर, बिजली का अकाउंट नंबर जो भी होता है, यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका नाम जो है आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसे प्रोसीड करेंगे अगर आपका ही नाम हो तो, ठीक है। प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। क्लिक हियर जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ओटीपी यहाँ पर आ जाएगी, ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना ईमेल आईडी एक डाल देना, जो कि ऑप्शनल, अगर डालना चाहें डाल सकते हैं। कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर लॉगिन हियर यहाँ से भी आप कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डाल देना, जिस नंबर से भी आपने लॉगिन किया है। सिंपल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ओटीपी आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों पे गया होगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर रूफटॉप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पूरा प्रोफार्मा खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। सारे स्टेप यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे जैसे करते जाएंगे ये सारे स्टेप यहाँ पर ग्रीन होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स है, यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स डालना है। सबसे पहले तो आपको अपना नाम डालना होगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल में मौजूद हो वही नाम आपको डालना है। उसके बाद यहाँ से अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एड्रेस डाल देना, जिस भी एड्रेस पे आपको अपना लगवाना है। तो उसके बाद एड्रेस डालने के बाद यहाँ से आपको आगे बढ़ जाना है। तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के यहाँ पर सारी डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ से आपको डाल देना, ठीक है, जिस भी कंपनी से आपको बिजली मिलती है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना सारी डिटेल डालेंगे, तो यहाँ पर अपने आप जो है ले लेगा कि आपके घर में कितने किलोवाट का है, क्या नाम है, सारा अकाउंट नंबर, सारा कुछ डिटेल अपने आप शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर चेंज करना चाहते हैं तो अभी आप यहाँ पर चेंज भी कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछी जा रही है, ठीक है। कैटेगरी आपका रेजिडेंशियल है या रेजिडेंशियल वेलफेयर, जो भी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे तो सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने कैपेसिटी का आप अपना लगवाना चाहते हैं, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, जितना भी लगवाना चाहें यहाँ से आपको फिलअप करना है। लाइक यहाँ पर आप 2 भी फिलअप कर सकते हैं, या 1 किलोवाट की ज़रूरत है 1 किलोवाट, या फिर 3 किलोवाट, जितना भी आप चाहें कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपके घर में कितने किलोवाट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको एक कैलकुलेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। क्लिक फॉर, तो यहाँ पर रूफटॉप कैलकुलेटर पर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा दिखाया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अगले पेज पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आपको पूरा फिलअप करना होगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख पाएंगे, लाइक मैंने यहाँ पर 3 किलोवाट के लिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 1,45,000 यहाँ पर टोटल कास्ट लगने वाली है, जिसमें से सब्सिडी आपको 78,000 मिल जाएगी और 67,000 खुद से अपनी जेब से यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर पूरा रूफटॉप एरिया पूरा निकाल के दिखाया गया है कि यहाँ पर कितनी जगह लगेगी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना होगा, उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल सेविंग कितनी होगी, सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ये सब सारी डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लोकेशन सेट करना होगा, जिस भी लोकेशन पर आपको अपना सोलर पैनल जो है इंस्टॉल करवाना है। तो यहाँ पर लिख के सिंपल आप सर्च कर पाएंगे अपना लोकेशन। उसके बाद यहाँ से आपको जो पॉइंट है, उसको पॉइंट को वहाँ पर इधर उधर करके जूम करके यहाँ पर अपने जो भी आपका लोकेशन हो वहाँ पर आपको इस पॉइंट को रख देना है, ठीक है। उस पॉइंट पर रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे। सिंपल इसे सेव करके आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक फोटो कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसे लास्ट 6 मंथ का किसी भी महीने का हो, लास्ट 6 महीने के अंदर होना चाहिए। उसके बाद उसकी साइज़ 500 KB के अंदर होनी चाहिए। JPG, PNG, PDF किसी भी फॉर्म में हो अपलोड कर देना है। उसके बाद अपलोड करेंगे तो यहाँ पर ये अब सक्सेसफुली अपडेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिशन पर सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से ओके पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबमिट बैंक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर जैसे सबमिट बैंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट होल्डर नेम डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, एक कैंसिल चेक की अपना फोटो कॉपी डालना है या फिर बैंक पासबुक की फोटो कॉपी डालेंगे या बैंक ई स्टेटमेंट कुछ भी आप यहाँ पर आप एक अपलोड कर देंगे। रिमार्क्स में कुछ डालना हो डालिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ पर सबमिट पर आपको सिंपल क्लिक करेंगे तो आपका बैंक डिटेल सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, लाइक यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका अप्रूवल स्टेटस आएगा, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं अप्रूवल स्टेटस अगर आपका आ जाएगा तो यहाँ से आपको वेंडर्स को फाइंड करना है, वेंडर से जो है अपना सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा लेना है। वेंडर फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको मेन होम साइट पर आना है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे जो अपना स्टेट, उसके बाद यहाँ से आपको जितने भी वेंडर्स हैं सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। जिस भी कंपनी से आपके यहाँ बिजली आती है उस कंपनी के सामने वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस कंपनी के जितने भी वेंडर्स होंगे सारे की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, सारे का कॉन्टैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा, ईमेल आईडी। तो इस ईमेल आईडी पे आपको संपर्क करना है, अगर आप ईमेल आईडी से नहीं संपर्क हो पा रहा है तो सिंपल उस कंपनी का नाम कॉपी करके सिंपल आपको गूगल पर सर्च करना है, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद उससे अपने यहाँ जो है सोलर प्लांट जो है इंस्टॉल करवा लेना, ठीक। अपने आप सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा लेंगे, जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे को आपको अभी सबसे पहले तो आपको ही पे करना होगा। पे करने के बाद जो है आपको बाद में वो सब्सिडी के रूप में मिलेगा। तो इंस्टॉल करवाने के बाद सारा कुछ इंस्टॉल करवाने के बाद यहाँ पर सिंपल आपको लॉगिन करना है, फिर जितना भी इंस्टॉलेशन सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन स्टेटस होगा, उसके बाद नेट मीटर के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से नेट मीटर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके घर पर नेट मीटर लगाया जाएगा, नेट मीटर लगाया जाएगा, उसकी भी जो डिटेल्स होगी यहाँ पर आपको सिंपल जाके फिर से लॉगिन करके यहाँ पर सारा कुछ सबमिट करना होगा। सबमिट करने के एक महीने के बाद ही आपका यहाँ पर जो है जो भी आपका प्रोजेक्ट कमीशन स्टेटस आपका दिखाएगा, जो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ फाइनल होने के बाद सिंपल एक महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जिस भी बैंक अकाउंट में आपने डाला है 78,000 रुपीज़ जो है क्रेडिट हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अपना पूरा लगवा सकते हैं 3 किलोवाट कर, 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के अंदर रहेगा तो आपका 78,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएगा। उससे कम करवाते हैं तो उसका अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम यहाँ पर 78,000 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से मत सारा कुछ डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा कुछ डिटेल मैंने आपको बता दिया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कहीं भी किसी भी कोई भी दिक्कत होती है तो। बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपना फॉर्म फिलअप करके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना जो भी पीएम सूर्य घर योजना है इसका आप लाभ उठा सकते हैं और 78,000 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे एक महीने के अंदर। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर पैनल लगवाकर अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं और अपना जो भी आपका बिजली का जो भी जितना भी बिल आता है उसका यहाँ पर आप उसको हाफ कर सकते हैं, आप बहुत ही जीरो कर सकते हैं। तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक ले जाएंगे भारत, वंदे मातरम।